हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 6 दिसंबर 2021 की है। तो आइए ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। We know that algebra is the based on variable and constant and expression. In algebra, we have find out of the solution of difficult problems using constant, variable and expression. When we big number are be added and subtracted in maths, when things are difficult to solve, then we take the help of the expression. तो देखो क्या कहा था अपने पिछली वर्कशीट में, हमने वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बारे में देखा था कि जैसे कि कोई नंबर x, y, z, a, b, c में दिया जाता है तो उसे वेरिएबल नंबर कहा था, और कॉन्स्टेंट जैसे कि 5, 10 ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट नंबर। तो आज हम इनका एक्सप्रेशन सीखेंगे कि किस तरह एक्सप्रेशन को हम शो करते हैं। इन अर्थमेटिक वी यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हम इस मेथड का यूज़ करते हैं अर्थमेटिक में कि प्लस कर दिया, माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और नंबर टू मेक एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखिए, 3 × 2 + 4 हम इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेशन एल्जेब्रा, हम एल्जेब्रा को भी इसी तरह से एक्सप्रेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का यूज़ करके। देखिए किस तरह से, रहीम एंड रश्मि हैव बलून्स, रहीम हैज़ 4 बलून एंड रश्मि हैज़ 5 बलून। हाउ मैनी बलून्स डू दे है, उनके पास कितने बलून है, रहीम के पास है 4 और रश्मि के पास है 5, तो हम इजिली 4 + 5 करके 9 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ये तो सिंपल सिचुएशन थी फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, रहीम हैज़ 6 ट्रॉफीज बट रश्मि डज नॉट वॉन्ट टू टेल हर ट्रॉफी। रहीम के पास 6 ट्रॉफी है बट रश्मि जो है वो हमें ट्रॉफी नहीं बता रही। तो अब उनसे पूछा जाए कि अब आपके पास में कितनी टोटल ट्रॉफीज़ हैं इन दोनों के पास में, तो हम क्या करेंगे, हम रश्मि की ट्रॉफी को x मान लेते हैं और रहीम की ट्रॉफी को हम कर देते हैं 6, तो x प्लस 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहा गया, वी आर फेसिंग द डिफिकल्टी टू टोटल ऑफ द ट्रॉफीज, हम टोटल नहीं निकाल सकते। नाउ लेट अस अज्यूम ट्रॉफीज ऑफ रश्मि इज x, रश्मि के पास कितनी ट्रॉफी है x, लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम समझ सकते हैं टोटल ट्रॉफीज कितनी हो जाएंगी, 6 + x, x क्या है, वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, वी कैन यूज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, टी, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही यूज़ करो, हम कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन द अबव सिचुएशन वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफी बट प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग वेरिएबल, हम एक्स का यूज़ करके, वेरिएबल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को टीचर ने बुलाया, सचिन, गुरलीन एंड अब्दुल। शी गेव फ्यू पेंसिल टू them, उन्होंने क्या किया, कुछ पेंसिल दी, तो सचिन को कितनी दी, 4 पेंसिल, गुरलीन को कितनी दी, 3 पेंसिल एंड अब्दुल को कितनी दी, फ्यू पेंसिल। अब्दुल का हमें नहीं पता कि कितनी पेंसिल दी और हमें अब इनका सम करना है, तो हम इजीली देखो 4 + 3 तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अब्दुल का नहीं पता, तो अब्दुल के पेंसिल हम मानते हैं कि एक्स, तो अब इनका सम कितना हो जाएगा, 7 + x, ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 7 + x आंसर होगा, जिसका नहीं पता होता उसे हम वेरिएबल मान लेते हैं, x + x, y, z, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है, इसे हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, स्वाति के पास, मुकेश के पास और हमें टोटल ऑफ टू, हमें टोटल निकालना है इनका, तो पेंसिल्स कितनी है, तो हम लिख देंगे 5 + p, है ना, कितनी पेंसिल है, 5 + p। टॉफीज कितनी है, m, a के पास, स्वाति के पास m, मुकेश के पास 2, तो हम लिख देंगे m + 2, या आप इस तरह से लिख दीजिएगा 2 + m, a की बात है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपीज कितनी है, 8 स्वाति के पास में है, t मुकेश के पास में, हमें प्लस करना है तो हम लिख देंगे 8 + t, ठीक है। यहाँ पे आप 8t नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका मतलब कि 8 × t, प्लस का मतलब है कि जोड़ना है और सब एडिशन करना है, और जब 8t सीधा इस तरह से लिख देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसान और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। लेट अस चेंज द वेरिएबल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा, राम, माय एज इज एक्स, तो राम ने क्या बताया, राम की एज कितनी है एक्स। अब देखते हैं फादर, माय एज, अब फादर क्या कहते हैं, माय एज इज 3 टाइम ऑफ योर एज, वो क्या कह रहा है कि जो राम की एज है उससे 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 × x, तो फादर की एज क्या हुई, 3x, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रदर क्या कहता, आई एम 2 ईयर ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 2 साल और बड़ा हूँ, तो हम क्या करेंगे, x राम से बड़ा है ना, तो राम की क्या बनी थी, x, और कितना बड़ा है, प्लस हमने कर दिया 2, ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्रदर की। नेक्स्ट देखो मदर, मदर क्या कहती है, आई एम 2 ईयर यंगर देन योर फादर, भाई मैं तुम्हारे फादर से 2 ईयर छोटी हूँ, 2 साल छोटी हूँ, तो इसके लिए क्या आएगा, पहले हम फादर की एज देखते हैं, फादर की एज हमने क्या देखी थी, 3x, फादर की एज कितनी है, 3x, और मदर क्या है, 2 ईयर्स कम है, तो -2, तो ये हो जाएगी मदर की एज,
ठीक है, ध्यान से देखिए, इनको समझ के हुए करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप और भी बेटा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं या जो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, जो अभी हमने किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने, एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर क्या कहते हैं, थ्री टाइम्स है, तो हम लिखेंगे थ्री एक्स, थ्री मल्टीप्लाई एक्स कर दीजिए या हम लिख देंगे थ्री एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी मदर की कितनी एज है, देखो टू टाइम्स यंगर देन योर फादर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, फादर की एज कितनी है, थ्री एक्स माइनस टू, क्योंकि दो साल छोटे हैं ना तो माइनस टू, अगर यहाँ पे दो साल बड़े होते तो प्लस टू हो जाता। प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की कितनी है, दो साल, मतलब राम से दो साल बड़ा है, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस टू, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, देखो मदर एंड ब्रदर की टोटल एज निकालनी है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, मदर की एज कितनी है बेटा, थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है, और सम करना है, ये हम यहाँ लिख देते हैं मदर, हमने यहाँ क्या लिख दिया, मदर की एज है ये, और ब्रदर की एज कितनी है, एक्स प्लस टू, तो ये किसकी हो गई, ब्रदर की, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रदर की, ठीक है, ये हमने रफली लिख लिया। अब देखो, अब इनको प्लस कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है टोटल एज, सम पूछा है ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखो अब हम यहाँ से कलर चेंज करके देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिफ्थ क्वेश्चन को, थ्री एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है, ये आया। अब देखो ये एक्स का नंबर है और ये एक्स का नंबर है, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे समझो क्या कहा गया है, ये एक्स का नंबर है और एक ये एक्स का नंबर है, तो इसे हमने प्लस कर देंगे, थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट तो हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो ये क्या है, माइनस टू और ये क्या है, प्लस टू, नंबर सेम है बट प्लस और माइनस है, तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4x यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 2x, 2 और 3 होता तो हम माइनस कर देते, देखो एक नंबर माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, और सेम नंबर होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4x। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा समझ के इसको करना, और एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस करो, जिससे प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे बेटा उतना आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे। तो जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।